सो गाइज, आज हम आ गए जायरोस्कोप की वीडियो का सेकंड पार्ट लेके। और फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बेसिक्स क्लियर किए थे और रेड डॉट वाले स्प्रेज आपको क्लियर किए थे कि कैसे आपने पूरा ट्रेन करना है, अपने मसल मेमोरी को कैसे डेवलप करना है। और आज सेकंड पार्ट में आप सबके साथ क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे बड़े स्कोप्स को आपने यूज करना है, कैसे उनकी सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करना है और कैसे मास्टर करना है। विद दी हेल्प ऑफ पूरा हैंड कैम आपको दिखाऊंगा और कैसे आपने सेंसिटिविटी फाइंड करनी है वो आप सबको पूरा बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेक श्योर करना, पहले आप फर्स्ट पार्ट देखो देन इस वीडियो को देखो, बिकॉज उसके बिना आपके लिए ये वीडियो इतनी यूजफुल नहीं होगी। और जिन्होंने ये पहले वाली वीडियो देख लिया तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज आज आपके जो बड़े स्कोप्स हैं वो भी मास्टर हो जाएंगे। और सेंसिटिविटी कैसे फाइंड आउट करनी है अपने फोन के अकॉर्डिंगली और कैसे आपने अपनी सेंसिटिविटी को मास्टर करना है अपने कंट्रोल के हिसाब से, सो गाइज आज ये सब आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं विद दी हेल्प ऑफ वॉइस ओवर, विद दी हेल्प ऑफ हैंड कैम। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि अपनी सेंसिटिविटी कैसे फाइंड करनी है, बिकॉज हर प्लेयर की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, हर प्लेयर अलग अलग सेंसिटिविटी को मास्टर कर चुका होता है और उसकी मसल मेमोरी उसी तरह से डेवलप हो चुकी होती है। और आपने यहाँ पे अपनी मसल मेमोरी का फायदा उठाना है और यहाँ पे आपने अपनी प्रेफरेबल सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है जो आपके साथ मैच करे, आपके कंट्रोल पे मैच करे और आपकी मसल मेमोरी पे मैच करे और आपको कम से कम रिकॉल देखने को मिले और काफी अच्छे से आप स्प्रे कर पाओ। सो गाइस, सबसे पहले आपने सेंसिटिविटी फाइंड करनी है और कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी गन ले लेनी है, अटैचमेंट सारी लगा लेनी है उसके साथ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे आपने फाइंड आउट करनी है और क्या आपके लिए सबसे सही सेंसिटिविटी है। उसके बाद आपने आ जाना है यहां पे आके आपने स्प्रे डाउन करना है अपने 3x को या फिर 6x को, और 6x अगर यूज करें उसको कन्वर्ट कर देना 3x में, उससे होगा क्योंकि आपकी 3x की सेंसिटिविटी आपकी 6x पे अप्लाई हो जाएगी बिकॉज आपने उसको कन्वर्ट कर दिया हुआ 3x में। सो गाइस, यहां पे आके आपने सबसे पहले 220 से स्टार्ट करना है, जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी को जाके सेट करना 220 पे, देन आपने स्प्रे करना है। अगर आपका स्प्रे ऊपर की तरफ जा रहा है, रिकॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन आपने क्या करना है, सेंसिटिविटी को 10 बढ़ाना है या फिर 5 सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। देन अगर आपका 220 पे मैच नहीं करेगा, आपने 230 को यूज करना है। 230 को यूज करने के बाद आपने देखना कि आप उसको इजिली कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और मेक श्योर करना जब आप स्प्रे करो तो फोन को नीचे की तरफ टिल्ट करो, जिससे होगा कि आपका जायरोस्कोप जो होगा, आपका जो रिकॉल होगा उसको कंट्रोल करेगा। और आपने इसी तरह स्प्रे करना है, 230 पे नहीं होगा देन 235 पे जाओ, और 235 पे भी नहीं होगा तो 240 पे जाओ, और इसी तरह करते करते आपको एक ऐसी सेंसिटिविटी मिल जाएगी जहां पे आपका जो जायरोस्कोप है प्रॉपरली आपके अकॉर्डिंगली, आपके कंट्रोल के अकॉर्डिंगली, आपकी मसल मेमोरी के अकॉर्डिंगली आपको वो सेंसिटिविटी मिल जाएगी। और आपने ऐसी सेंसिटिविटी पे जाके रुकना है जहां पे आपको बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम रिकॉइल मिले, थोड़ा सा रिकॉइल मिलेगा बिकॉज आप अपने इतने फेमिलियर नहीं हो अभी जायरोस्कोप के साथ। सो आपने 220 से या 230 से स्टार्ट करना है और जाना है आपने पूरा 280 या 290 तक, 300 मत रखना बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आपका वो मतलब शेकनेस आएगी और डिस्टॉर्शन आएगी। और आपने उस सेंसिटिविटी पे जाके रुक जाना है जहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर अब मैं स्प्रे कर रहा हूँ तो मेरा जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट राइट और डिस्टॉर्शन देखने को मिल रही है। जब वो डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी देन आपने उससे थोड़ी सी सेंसिटिविटी कम करनी है, और जब वो डिस्टॉर्शन पूरा कम हो जाएगा और काफ़ी मिनिमम हो जाएगा और आपका रिकॉल आप इजिली कंट्रोल कर पा रहे हो, कि वहाँ पे जाके आपको आपकी बेस्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगी। और फॉर एंड्रॉइड्स जो बेस्ट सेंसिटिविटी होती है वो होती है 220 के बीच में और 260 के बीच में, और इसके बीच में आपको आपकी 3x की सेंसिटिविटी मिल जाएगी। इसी तरह आपने 4x की फाइंड आउट करनी है। देन उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि आपने अपनी सेंसिटिविटी को करना है मास्टर। सो गाइस, सेंसिटिविटी वगैरह फाइंड आउट करने के बाद आपने जो सबसे पहली चीज मास्टर करनी है वो आपने मास्टर करनी है अपने रिकॉइल को। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। देन यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, स्प्रे डाउन करना है विद दी हेल्प ऑफ अपनी जो भी गन यूज कर रहे हो, और आपने रिकॉइल को कंट्रोल करना है सिर्फ और सिर्फ जायरो के साथ, अपने थंब को यूज नहीं करना है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आप दोनों चीजों के बीच में स्टक हो जाओगे और आप एक भी चीज सीख नहीं पाओगे, इसलिए आपने एक ही चीज को यूज करना है। जायरो यूज करना है तो जायरो यूज करना है, ADS यूज करना है तो ADS यूज करना है, थंब यूज करना है तो थंब यूज करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पे स्प्रे डाउन करने, कम से कम 3000 बुलेट्स आपने स्टार्टिंग में स्प्रे डाउन करने विद दी हेल्प ऑफ जायरो यूज करना है आपने खाली, और कुछ चीज यूज नहीं करनी है, और रिकॉल को कंट्रोल करना सीखना है। यहां पे आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेंगी क्योंकि आपका जो हाथ है वो इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है जायरो के साथ और बड़े स्कोप्स के साथ। तो यहां पे आपने 3-4 राउंड लगाने, यानी कि आपने कम से कम 10000 बुलेट्स फायर करनी है एक दिन में, उससे हुआ कि आप 80% तक अपने जायरो को मास्टर कर जाओगे और बाकी का जो 20% है वो विद टाइम आपको आता जाएगा, विद एक्सपीरियंस आप चीजों को सीखते जाओगे और आप इजिली स्प्रे डाउन कर पाओगे। और एक और बोनस टिप आपको बता देता हूं कि जब भी लॉन्ग स्प्रे करने तब आपने क्राउच डाउन करके करने और आपने पीक करके करने। क्राउच डाउन करने से क्या होगा, आपका 20 से 25% रिकॉइल जो है
रिड्यूस हो जाएगा, और साथ में जो आपका पीक होगा उससे क्या होगा, आपका 10 to 15% जो रिकॉइल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट पीक कर रहे हो तो लेफ्ट साइड का हो जाएगा, राइट पीक कर रहे हो तो राइट साइड का रिकॉइल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और आपका स्प्रे एकदम लेजर जाएगा। और इसी तरह आपने अपने रिकॉइल को मास्टर करना है। यहाँ पे सबसे पहली ड्रिल होगी, आपने टारगेट्स को हिट करना है, और आपने हर टारगेट के ऊपर हिट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। बिकॉज अगर आप एक साइड के टारगेट्स को हिट करोगे, समझ लो आपने लेफ्ट वाले को किया, देन आपने फिर राइट वाले को किया, फिर उसके साथ जो राइट वाले उसको किया, उससे क्या होगा आपके राइट साइड का जायरो मास्टर हो जाएगा, लेकिन आपके लेफ्ट साइड वीकनेस आ जाएगी और आप लेफ्ट साइड भी ट्रेन नहीं कर पाओगे। जस्ट जिम की तरह अगर आप एक साइड का बाइसेप ट्रेन करते रहोगे तो दूसरे साइड का छोटा रह जाएगा और वीक हो जाएगा। उसी तरह यहाँ आपने दोनों तरफ जायरोस्कोप को पूरा यूज़ करना सीखना है, और उसके बाद आपका जायरोस्कोप ईजिली आप मास्टर कर पाओगे। देन उसके बाद आ जाना आपने कार स्प्रे के लिए कैसे करना है, शिफ्ट कैसे करना है, दो टारगेट्स के बीच में शिफ्ट कैसे करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे सेम ड्रिल करनी है, आपने एक बंदे के ऊपर फायरिंग करनी है जो बोर्ड है सामने, देन आपने क्या करना है दूसरे पे ऊपर शिफ्ट करना है, देन दूसरे से वापस फर्स्ट वाले पे शिफ्ट करना है। इससे होगा क्या कि आपको एम शिफ्ट करना आ जाएगा, कैसे आप एक बंदे से दूसरे बंदे के ऊपर शिफ्ट करोगे विद दी हेल्प ऑफ जायरो। आपने थंब को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ये बात याद रखना, थंब को यूज़ किया देन आप जायरो सीख नहीं पाओगे बिल्कुल भी। आपने फुली जायरो पे चले जाना है, अगर आपको जायरो अच्छे से सीखना है, पूरा मास्टर करना है, देन आपको फुल जायरो यूज़ करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको समझ आएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ मेरा कंट्रोल कैसे है, मैं कैसे जायरोस्कोप कंट्रोल करता हूँ विद दी हेल्प ऑफ मतलब फुल जायरो। और आप देखोगे कि आप हैंड कैम देखो, आपको खुद समझ आएगी कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ, और आपको थोड़ा समझ आएगा कि जायरोस्कोप को आखिर यूज़ कैसे करना है। यही था आज की वीडियो में, यही था जायरो का पार्ट टू, जिसमें आपको बड़े स्कोप्स को मैंने कैसे यूज करना है वो करना सिखाया, और आपको फोरेक्स को भी ऐसे ही यूज करना है, फोरेक्स की सेंसिटिविटी को फाइंड करना है, डिस्टॉर्शन जहां पे कम मिलेगी वहां पे जाके आपने अपनी सेंसिटिविटी को सेट कर देना, सेम आपने रिपीट करनी है सारी चीजें, और इस तरह से आपके जो बड़े स्कोप है उनको आप मास्टर करना सीख जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कार स्प्रेज वगैरह कैसे करने अपने जायरो से, और बाकी चीजें भी सिखाऊंगा जैसे कि क्लोज रेंज में जायरो को कैसे यूज करना है। उसके लिए मैं आपको हैंड कैम वीडियो डालूंगा, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जायरो के ऊपर क्लोज रेंज में कैसे यूज करना है, काफी लोगों को समझ नहीं आई बिकॉज हैंड कैम चाहते हैं लोग मैं डालूं, नेक्स्ट वीडियो में वो डालूंगा। ये सीरीज चलती जाएगी जब तक मैं पूरा जायरो को आपको मास्टर नहीं करवा लूंगा, और आई होप आपको वीडियोस काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी, और मैं काफी डेली वीडियोस डाल रहा हूं। और मेक श्योर करना अगर आप मेरे असली फैन हो तो इस वीडियो को जाके शेयर करना, बिकॉज आई नीड हेल्प ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो, और आप लोगों की हेल्प चाहिए उस चीज के लिए, और जाके वीडियो को शेयर कर दो, मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग कर दो, व्हाट्सएप पर सबके साथ शेयर कर दो, जो लोग जायरो को यूज करना चाहते हैं या फिर और एक्यूरेटली उसको यूज करना चाहते हैं या फिर सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो गाइज यही था आज की वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड बाय बाय।